हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एक्स विकास। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 को लेकर बात करेंगे। और हाँ, आपको पता ही होगा कि हमारे इस चैनल पर फार्मासिस्ट वैकेंसी, न्यू अपडेट, नोटिफिकेशंस एंड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जैसे ही न्यू अपडेट मिलती है, जैसे ही किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, तो वह सबसे पहले हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और स्टूडेंट्स के सारे डाउट, वैकेंसी से रिलेटेड एनी डाउट, क्लियर इजी वे में सॉल्व किए जाते हैं। और आपको पता ही होगा, आगे हमारे इस चैनल पर एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोज़ एंड टेस्ट सीरीज अपलोड की जाएंगी, राइट? तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, DRX विकास, ताकि आगे आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपको कुछ समय बाद इस चैनल पर टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप फार्मासिस्ट की जितनी भी एग्ज़ाम है, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, उनकी प्रिपरेशन आसानी से कर सकोगे। और आज आपको बता दें कि रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ गई है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है, तो तुरंत ही स्टूडेंट्स के सारे डाउट इस चैनल पर क्लियर कर दिए जाते हैं। तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में आपको देंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी बातों का जवाब देंगे, राइट? पहले की वीडियोज़ में रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो कि अपलोड कर दी गई हैं ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें आने वाली सारी वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है, ओके? और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो जाके देख सकते हैं। उनमें बताया गया है कि रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाली है। और अब ऑफिशियल नोटिस रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का आ ही गया है, राइट? तो चलिए बताते हैं आपको इस नोटिस के बारे में स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम पे सर्च करना होगा RRB। RRB सर्च करने के बाद में RRB की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ओके, खुल गई। RRB दो कैलेंडर 2024, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनुअल कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, एनुअल कैलेंडर जो कि 2 तारीख, दूसरा महीना 2024 को निकाला गया है RRB के द्वारा। यह कैलेंडर पहली बार देखने को मिल रहा है दोस्तों। 2024 से पहले RRB का कभी भी एनुअल कैलेंडर नहीं आता था, बट इस साल 2024 में RRB ने एनुअल कैलेंडर निकाला है, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। जो तो जी हाँ, ये रहा RRB का ऑफिशियल नोटिस, देख पा रहे हैं आप। तो ये आ गई है आपके रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024, जिसका मंथ डिसाइड हो चुका है जुलाई से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स RRB, एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्वायरमेंट्स, इश्यू ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है RRB की, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो पूरे इंडिया में, उसके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, जनवरी से मार्च में ALP की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं, और अप्रैल से जून में टेक्नीशियंस की, तो जुलाई से सितंबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर की पैरामेडिकल कैटेगरी। तो ये आ गई है आपके सामने रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024, जिसका मंथ डिसाइड हो चुका है। मंथ डिसाइड हो चुका है दोस्तों, जुलाई से सितंबर। यहाँ पैरामेडिकल कैटेगरी में रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिखने वाली है। कौन सी कैटेगरी में दोस्तों? पैरामेडिकल कैटेगरी, जो ये पैरामेडिकल कैटेगरी है, इसमें रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज दिखने वाली है आपको, इसके अंदर कैलकुलेट की गई हैं, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स वेरी गुड रहने वाली है, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, गुड पे स्केल। और आप जानते हैं कि रेलवे की वैकेंसीज सारी अच्छी होती हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी युवा बेरोजगार सबसे ज़्यादा फॉर्म आते हैं वो रेलवे की वैकेंसीज में आते हैं, क्योंकि पे स्केल वगैरह सारी चीज़ें अच्छी होती है इसमें, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे रेलवे में ग्रुप डी की जो भी वैकेंसीज आती हैं, तो कितने फॉर्म आते हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म चले जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ तो खास है रेलवे में, जिसमें इतने बंदे फॉर्म अप्लाई करते हैं, इतने स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। जी देखिए, पैरामेडिकल कैटेगरीज में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को शामिल किया गया है यहाँ पे। जी देखिए, पैरामेडिकल कैटेगरीज में फार्मासिस्ट की वैकेंसियों को शामिल किया गया, जबकि PCI फार्मासिस्ट को पैरामेडिकल में कलेक्ट नहीं करती है, इसमें पैरामेडिकल में कलेक्ट नहीं करती है, लेकिन RRB पैरामेडिकल में ही फार्मासिस्ट को कैलकुलेट करता है, जिसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, जिसमें नर्स होती है, नर्सेज होती है, फार्मासिस्ट भी इसमें ही कैलकुलेट है, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट्स होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, तो ये सारी इसी में कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इस नोटिस से सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 2024 में रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, वे कब आएंगी, राइट। और आप देख सकते हो नीचे 2 तारीख 2 महीना 2024 यानी 2 फरवरी को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने का महीना RRV के द्वारा तय हो चुका है कि आपकी वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी जुलाई से सितंबर के बीच में आएंगी। तो अब बात आती है सर वैकेंसी कितनी आएंगी फार्मासिस्ट की, तो अभी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया है। तो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज हैं जो पैरामेडिकल में कैलकुलेट की गई, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया है कितनी वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में आएंगी, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, हम पिछली बार 2019 में RRV के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी फार्मासिस्ट की पैरामेडिकल के अंदर। तो 2019 में जो फार्मासिस्ट की भर्ती की थी उसमें टोटल 272 पोस्ट थी। कितनी? 272 टोटल पोस्ट थी, टोटल 272 पोस्ट निकाली गई। और दोस्तों उन वैकेंसी को हो गए हैं 4 साल, यानी 4 साल में रेलवे फार्मासिस्ट की भर्ती करता है, तो आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी वो है समथिंग 300। कब 2024 में आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी, पहले 272 आई है तो अब बढ़ के ही आएंगे जाते जाते तक, तो समथिंग 300 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी RRV में पैरामेडिकल की कैटेगरी के अंदर। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी वो 300 के समथिंग देखने को मिलेंगी आपको। और एक बात और, आपको पता है RRV ने पहली बार एनुअल कैलेंडर निकाला, जिसका मतलब होता है रेलवे हर साल वैकेंसी निकालेगा पर ईयर रेलवे फार्मासिस्ट की और जितनी भी रेलवे की वैकेंसीज हैं वो हर साल निकलेंगी। इसके ऊपर रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव का एक वीडियो और आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि रेलवे अब हर साल भर्ती करेगा सभी डिपार्टमेंट्स में। दोस्तों मेनली इसका पता तो आने वाले टाइम में लग जाएगा कि कितनी वैकेंसी आती है, और सब लोग जानते हैं जब तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, लोग जानते हैं जब कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो DRX विकास चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। और अश्विन वैष्णव ने जो बात कही है कि रेलवे हर साल फार्मासिस्ट की, रेलवे RRV की यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हर साल रेलवे में फार्मासिस्ट की या फिर रेलवे में जो भी वैकेंसीज है वो हर साल वैकेंसी निकालेगा रेलवे, तो इसका एक वीडियो भी सामने आया, वो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी पिछली बार प्रीवियस वीडियो में मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की है बीच में शॉर्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो, राइट। प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने बताया है तो उसमें आप जाके देख सकते हो। सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट की सही एंड एक्यूरेट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी इस चैनल पर DRX विकास पर, ये वादा किया आपसे DRX विकास ने। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, राइट। थैंक यू सो मच